हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी रिक्वायरमेंट 2019 में मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीपीसी की भर्ती में 7 बड़े बदलाव किए गए, नोटिफिकेशन में किए गए 7 बड़े बदलाव हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 35,277 पदों के लिए जो एनटीपीसी की भर्तियाँ रखी है, उन सभी के लिए अभी तक फॉर्म आपने नहीं भरा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 7 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, रेलवे संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, एनटीपीसी के अंदर 35,277 पदों के लिए रिक्वायरमेंट, एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन पदों के लिए कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है। ये बदलाव कैटेगरी के लिए गरीब लोगों के लिए आरक्षण के नियमों में परिवर्तन, जो विभिन्न चरणों की आरक्षण आईटी के तहत सूचना पाने के लिए आपको बताई जा रही है। आरआरबी एनटीपीसी में 35,277 पदों के लिए जो भर्ती निकली है, उसमें जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट टाइपिंग, जूनियर टाइपिंग और ट्रेन टिकट कलेक्टर और टिकट कलेक्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड्स और विभिन्न पदों के लिए जो 31 मार्च है उनकी जो है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी उम्मीदवार हैं, फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई करने के लिए अगले चरण में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी पहली जो नियम है, जो आपके जो कैटेगरी है, वही कैटेगरी के अनुसार आपको चूज किए जाएंगे और अगले स्टेप में पास किए जाएंगे और अगली कैटेगरी में आपको शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में जो 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी की देखिए, ऐसे उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में गरीब लोगों में 10% आरक्षण और 10% रिजर्व आरक्षण के तहत आवेदन करें, उसकी समीक्षा अथॉरिटी द्वारा जारी की गई है। आयकर संपत्ति इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि पर दिखाया होगा। यह आय संपत्ति प्रमाणित 2017-18 में रजिस्टर्ड की अंतिम तारीख 21 मार्च से पहले होनी चाहिए। पहले से नोटिफिकेशन मुकाबले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट आवेदन के पास है, जरूरी नहीं डिटेल ऑनलाइन आवेदन भी मांगी जा सकती है। 3 नंबर परिवर्तन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अन्य एवं संपत्ति जो प्रमाण जारी संपत्ति प्रमाणित जारी करें, उसके लिए अथॉरिटी के लिए लिस्ट आरबीआई जो एनटीपीसी विज्ञापन के लिए एक्सेल नंबर 3 के अंदर दे रखा है, उसके आधार पर आपको किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण पाने के नियम में खरा नहीं उतरा तो कैटेगरी के तहत आवेदन प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में योग्यता रूप में पूर्ण करेगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरी को माना जाए। अगर आपने बात कर ली कि ये चीज़ है कि आप इस श्रेणी में नहीं आते, तो आपको सीधा जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, उससे जगह आपको कहीं दूसरे स्थान पर नहीं रखा जाएगा। अगला देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्क्राइबर की शर्त हटा दी गई है। पहले विज्ञापन में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को स्क्राइबर की योग्यता, पीडब्ल्यूडी जो एक स्टेम काम करते थे, वो शर्त नहीं होगी। यानी जो जो पीडब्ल्यूडीबीडी जो यानी जो जैसे एक विकलांग आदमी है, हाथ से विकलांग है, दूसरा व्यक्ति उसकी जगह इस पास में बैठकर एग्जाम दिया जा सकता है, लेकिन ये अब हटा दी गई है। अब ये जो पीडब्ल्यूडी है, जो पीडब्ल्यूबीडी है, अब उम्मीदवार वहां नहीं बैठेगी। उसके बाद देखिए, वह नियम भी हटा दिया गया है जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया में कोई तरह की हासिल जो आरटीआई एक्ट के तहत मांगी जा रही दायरे के अंदर विचार नहीं किया जाएगा, शर्त को हटा दिया जाएगा। और जो जो 7 नंबर है, एमडी के मुताबिक एमडी डिपार्टमेंट म्यूचुअल फंड पढ़ा जाएगा। तो ये 7 बड़े बदलाव किए गए फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा लाइक करें, शेयर जरूर करें। पिछली कट ऑफ आपको प्रत्येक जॉन की आरआरबी के हिसाब से आपको अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच। नए अपडेट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।